हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बेटा डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम्स थी जो आपने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड की थी। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है बेटा वो आपकी डीपीपी नंबर 3 से है। जब आप इस क्लास को देख रहे हो तो अपनी डीपीपी को साथ में लेके बैठे हैं। ठीक है, तो डीपीपी 3 में क्वेश्चन नंबर 12, ये आपने मुझे बताया था आपकी प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना, डीपीपी 3 क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो पढ़ देते हैं। इफ एम डिनोट्स द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ऑफ ईच सक्सेसिव डिजिट्स आर इन देयर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड एन इज द करेस्पॉन्डिंग फिगर व्हेन द डिजिट्स आर इन देयर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देन एम माइनस एन हैज द वैल्यू। देखिए एम क्या है बेटा, एक 5 डिजिट नंबर है। क्या है? 5 डिजिट नंबर है जिसमें जो नंबर्स हैं, 5 डिजिट नंबर है या 5 डिजिट नंबर्स की संख्या है जिनमें जो डिजिट्स हैं वो किस ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। वो किस ऑर्डर में है? डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, और n जो है वो 5 डिजिट नंबर्स की संख्या है, 5 डिजिट नंबर्स है ना, जिनमें जो डिजिट्स हैं वो किस ऑर्डर में है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। तो ये जो m और n है ना, इनका डिफरेंस आपको बताना है। तो पहले देखो m के लिए अपन वैल्यू फाइंड करते हैं, m की वैल्यू क्या होगी। देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है तो 5 डिजिट नंबर आप बना रहे हो, तो 5 डिजिट नंबर जैसे हमने 5 प्लेसेस बना लिए। ठीक है, अब जो डिजिट्स आएंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको रखने हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब जो लार्जेस्ट डिजिट आएगा वो यहां आएगा, फिर उससे छोटा डिजिट इधर आएगा, फिर उससे छोटा डिजिट इधर आएगा, जो सबसे छोटा डिजिट है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बेटा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 डिजिट 10 डिजिट होते हैं। अब इन 10 में 10 डिजिट में से कोई से 5 डिजिट आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए। तो वो हमने कितने टाइप से सेलेक्ट कर लिए बेटा, 10C5 टाइप से सेलेक्ट कर लिए है ना। अब 10C5 टाइप से जब सेलेक्ट करेंगे तो 5 जो डिजिट्स आएंगे उन डिजिट्स का ऑर्डर फिक्स हो चुका है पहले से। अब आपको अरेंजमेंट नहीं बनाना है, ऑर्डर फिक्स है पहले से। क्या उनमें जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो यहां रखना है, फिर उससे छोटे वाला यहां रखना है, फिर उससे छोटे वाला यहां रखना है। ठीक है, तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी ना, मतलब उन 5 डिजिट नंबर्स की संख्या आ जाएगी जिनमें डिजिट्स किस ऑर्डर में होंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 10C5। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं बेटा 5 डिजिट उन नंबर्स की जो जिनमें डिजिट्स किस में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, अब की बार जो सबसे छोटा डिजिट है वो यहां आएगा, उससे बड़ा डिजिट यहां आएगा, उससे बड़ा डिजिट यहां आएगा। ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा अब की बार जो हम 5 डिजिट सेलेक्ट करेंगे उनमें बेटा जीरो नहीं होगा, उनमें कभी जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा, उसका रीजन है देखो। अगर मान लो आपके पास सिलेक्शन में 0, 1, 2, 3, 4 ये 5 डिजिट आ गए, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जीरो को तो आपको फर्स्ट प्लेस पे फिल करना पड़ेगा, फिर यहां पे 1 आएगा, यहां पे 2 आएगा, यहां 3 आएगा, यहां 4 आएगा। कहने का मतलब ये है कि इस वाले केस में जब भी जीरो सिलेक्शन में आएगा तो जीरो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे पुट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप डिजिट्स को लिखोगे तो सबसे छोटा नंबर जो है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, तो जीरो सबसे फर्स्ट में लिखा जाएगा। जब जीरो फर्स्ट में आएगा तो जो नंबर बनेगा वो 5 डिजिट नहीं रहेगा, वो कितने डिजिट का बनेगा, 4 डिजिट का बनेगा। इसलिए जीरो सिलेक्शन में लेना ही नहीं है। अब जीरो को हटा देते हैं इसमें से, लिस्ट में से जीरो को हटा दिया तो कितने डिजिट बचे बेटा अब आपके पास, 9। तो इन 9 में से कोई से 5 डिजिट आप सेलेक्ट कर लो, 9 में से कोई से भी 5 डिजिट कितने टाइप से सेलेक्ट कर सकते हो आप, 9C5 टाइप से। अब वो जो 9 डिजिट आएंगे उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको यहां पे लिख देंगे, उससे बड़े नंबर को यहां पे, फिर उससे बड़े नंबर को यहां पे, और सबसे बड़ा नंबर लास्ट में आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन अपनी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो उन 5 डिजिट नंबर्स की संख्या जिनमें डिजिट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है कितनी होगी, 10C5 m की वैल्यू, और उन 5 डिजिट नंबर्स की संख्या जिनमें डिजिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कितनी होगी, 9C5 है ना, ये n की वैल्यू होगी। अब आपको m माइनस n बताना है, तो m माइनस n हो जाएगा बेटा 10C5 माइनस 9C5। लेकिन इस तरह से ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं इसके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो 10C5 है ना, इसको ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं, 9C4 प्लस 9C5, बोलो लिख सकते हैं भाई। 9C4 प्लस 9C5 को अगर मैं ऐड करूंगा है ना, इस वाली प्रॉपर्टी से, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू N प्लस 1CR, क्या आएगा इसका सम, 10C5 ही तो आएगा। तो 10C5 को इस तरह से लिख सकते हैं, और ये 9C5 था ही, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या बनेगा 9C4, तो 9C4 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि अगेन 9C5 के इक्वल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 9C5, है ना, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एकदम सिंपल है, देखो डीपीपी थर्ड का ही है, डीपीपी थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, है ना। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ फाइव डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ देयर डिजिट्स इज इवन, उन फाइव डिजिट नंबर्स की संख्या बतानी है जिनमें इन सभी डिजिट्स का जो सम है वो क्या है, इवन आए। सम ऑफ ऑल डिजिट्स ये क्या हो बेटा, इवन नंबर हो। ठीक है, तो पहले तो आप टोटल नंबर फाइंड कर लो, टोटल नंबर फाइंड करो बेटा, टोटल नंबर्स, फाइव डिजिट के टोटल कितने नंबर बनेंगे, है ना। तो देखो इस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितनी चॉइस हो गई, 9, 1 to 9 में कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, फिर इसको फिल करने के लिए 9 या 10, क्योंकि यहां पर रिपीटेशन वाले केस भी होंगे, इसको 10 टाइप से फिल कर सकते हो, 0 से 9 तक कोई भी डिजिट, इसको भी 10 टाइप से, इसको भी 10 टाइप से, इसको भी 10 टाइप से, इनको मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो 90,000 नंबर्स आ जाएंगे। तो जो 5 डिजिट नंबर्स होंगे, टोटल 5 डिजिट नंबर्स कितने होंगे बेटा, 90,000 होंगे, 90,000 होंगे, है ना। अब देखो जब कोई भी नंबर अगर आप लेंगे तो उसके सम ऑफ डिजिट्स के लिए दो ही कंडीशन होगी, या तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा इवन, या सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा ऑड। तो ये जो फाइव डिजिट नंबर्स आए हैं 90,000, इनमें से आधे नंबर्स ऐसे होंगे जब सम ऑफ डिजिट्स इवन होगा, आधे नंबर्स ऐसे होंगे जब सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा ऑड, है ना। तो आपको सम ऑफ डिजिट्स इवन करना है तो इसका हाफ कर दो बेटा, इसका हाफ कर देंगे तो 45,000 आ जाएगा, है ना। तो 45,000 फाइव डिजिट नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा इवन। अगर मान लो आपसे सम ऑफ डिजिट्स ऑड निकलवाया जाता है ना, तो वो नंबर्स भी कितने होते, 45,000 होते। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। ओके, अब डीपीपी 4 पे आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो डीपीपी 4 में देखिए, एक तो आपकी प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 1 ही है, डीपीपी 4 क्वेश्चन नंबर 1, है ना। क्वेश्चन क्या है देखो, नंबर ऑफ वेज इन विच 8 पीपल कैन बी अरेंज्ड इन ए लाइन इफ ए एंड बी मस्ट बी नेक्स्ट ईच अदर, मस्ट बी नेक्स्ट टू ईच अदर एंड सी मस्ट बी समवेयर बिहाइंड डी। कंडीशन क्या है देखो, टोटल कितने लोग हैं बेटा, टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, है ना, 8 पीपल। अब कंडीशन ये है, ए और बी ये क्या होने चाहिए, नेक्स्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब आगे पीछे हो सकते हैं, ए और बी साथ होंगे लेकिन आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे ए पहले आए बी बाद में आए, या बी पहले आए ए बाद में आए। ठीक है, और जो सी है, सी मस्ट बी बिहाइंड समवेयर डी, सी जो है वो डी के पीछे होना चाहिए। अब डी के जस्ट पीछे हो सकता है ना, हो सकता है एक लेटर बाद में पीछे हो, दो लेटर बाद में पीछे हो, दो लेटर पहले पीछे हो। ठीक है ना, कुल मिला के सी की जो पोजीशन है वो डी से पहले होनी चाहिए, और डी से पहले कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो कंडीशन देखो बेटा, एक बार इस कंडीशन को आप अवॉइड करो, इस कंडीशन को मान लो कि ये कंडीशन है ही नहीं, केवल इसी कंडीशन पे फोकस करते हैं, है ना। ए और बी एक साथ होने चाहिए और एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं ना, नेक्स्ट टू ईच अदर। अब नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब समझ गए ना, नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब ए पहले हो सकता है बी बाद में हो, या बी पहले हो ए बाद में हो, इस तरह से। तो हमने क्या किया, इनको साथ रखना है तो इनको एक ही लेटर काउंट कर लो। अब 8 में से जब इन दोनों को मैं एक ही लेटर काउंट करूंगा तो टोटल कितने आएंगे काउंटिंग में, 7, है ना। अब इन 7 पीपल को आप एक लाइन में कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 7 टाइप से, है ना। इन 7 लोगों को एक लाइन में कितने टाइप से आप बिठा सकते हो, फैक्टोरियल 7 टाइप से, है ना। अब ये जो ए और बी थे ये साथ में है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये अपना स्थान कितने टाइप से चेंज कर लेंगे, फैक्टोरियल 2 टाइप से, बोलिए। ठीक है, अच्छा ये टोटल केस हो गए, है ना, इस कंडीशन के साथ। अब हम बात करते हैं इस कंडीशन की, है ना। अब देखो ये जो केस आए हैं, इन केसेज में दो ही बातें होंगी, या तो सी डी के पीछे होगा या सी डी के आगे होगा, नहीं क्या। अब सी को डी से पीछे रखना है तो इनमें से हाफ जो केस होंगे, हाफ ऑफ द केसेज, उनमें क्या होगा, सी डी से पहले आएगा, और हाफ ऑफ द केसेज में क्या होगा, सी डी के बाद में आएगा। तो सी डी के पहले हो तो हाफ कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो,
है ना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5040, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आ रही बात समझ में, हमने क्या किया, ए बी को साथ रख के टोटल केस काउंट कर लिए, ए बी को साथ रख के टोटल केस काउंट करेंगे कितना आएंगे, फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2 केसेज आएंगे। अब इन केसेज में देखो आधी बार क्या होगा, सी डी के पहले आएगा और आधी बार सी डी के बाद में आएगा, तो आपको सी जब डी के पहले हो वो केसेज बताने, तो इसका हाफ कर दो, ठीक है, ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो डीपीपी 4 में ही बात कर रहे हैं, डीपीपी 4 में क्वेश्चन नंबर 2, हाँ देखिए पहले पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। द किंडरगार्टन टीचर हैज 25 किड्स इन हर क्लास, है ना, एक टीचर है उसकी क्लास में 25 बच्चे हैं। सी टेक्स 5 ऑफ देम एट ए टाइम टू जूलॉजिकल गार्डन एज ऑफन एज सी कैन, वो क्या करती है, 5 बच्चों को एक बार में 5 बच्चों को जूलॉजिकल गार्डन दिखाने ले जाती है, ठीक है ना, गार्डन दिखाने ले जाती है 5 बच्चों को एक बार में, विदाउट टेकिंग द सेम 5 किड्स मोर देन वंस, 5 बच्चों के सेम ग्रुप को वो एक से ज्यादा बार गार्डन में नहीं ले जाती है, है ना, 5 बच्चों का एक ग्रुप एक बार ही जाएगा, ठीक है, सेम जो ग्रुप होगा, जैसे मान लो मैं बात करूं, जैसे 5 चिल्ड्रन है ए बी सी डी ई, है ना, तो इनका ग्रुप बेटा एक बार ही गार्डन में जाएगा, ठीक है। अब मान लो यहां पे ई को हटा के कोई नेक्स्ट आ गया, तो अभी अलग ग्रुप बन गया 5 बच्चों का, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसमें एक बच्चा चेंज हो गया ना, तो नेक्स्ट टाइम ये वाला ग्रुप जाएगा, ठीक है, तो सेम जो 5 चिल्ड्रन का ग्रुप है वो एक बार ही ग्रुप जूलॉजिकल गार्डन में जाएगा। देन नंबर ऑफ विजिट्स द टीचर मेक्स टू गार्डन एक्सीड दैट ऑफ ए किड बाय, तो टीचर एक बच्चे से कितनी ज्यादा बार गार्डन जाती है ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, टीचर एक बच्चे से कितनी ज्यादा बार गार्डन जाएगी, है ना। अब देखो टोटल जो बच्चे हैं, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, इसको समझो, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं 25, ठीक है, तो पहले मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि एक बच्चा कितनी बार गार्डन जाएगा, एक बच्चा कितनी बार गार्डन जाएगा, तो नंबर ऑफ वेज व्हेन ए चाइल्ड गोज टू द गार्डन, जब एक बच्चा गार्डन जाता है तो कितने तरीके से वो गार्डन जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बच्चा कोई भी आप पकड़ लो, जैसे मान लो आपके पास 25 बच्चे हैं ना, 25 बच्चे ऐसे मान लो ए बी सी डी, है ना, और एक्स वाई जेड, टोटल 26 होते हैं, तो मैं वाई तक रुक जाता हूँ, 25 बच्चे हुए, ठीक है। अब मैं जैसे बात करता हूँ ए की, कि ए कितनी बार गार्डन जाएगा, तो देखो ए उतनी बार ही गार्डन जाएगा जितने ग्रुप में ए शामिल होगा, ठीक बात है, क्योंकि 5 बच्चों का एक ग्रुप एक बार ही जाता है, तो ए जितनी बार ग्रुप में शामिल होगा उतनी बार ही ये गार्डन जाएगा, ठीक है। अब एक ग्रुप में कितने बच्चे रखे जाते हैं, 5 बच्चे रखे जाते हैं, उन 5 में से एक बार ए को जैसे अपन ने लिया है, तो एक बार ए को हटा दो, तो कितने बच्चे बचे 4, है ना। अब वो 4 बच्चे इन बाकी 24 में से, बाकी 24 में से कोई भी 4 बच्चों को अगर आप ग्रुप बनाते हो तो कितने टाइप से बनेगा बेटा, वो 24C4 टाइप से ही तो बनेगा, 24 बच्चों एक ही बात कर रहा हूं मैं, पहले ए को हटा दिया आपने, तो ए को हटाने के बाद, ए को हटाने के बाद कितने बच्चे और लेने पड़ेंगे आपको ग्रुप में, 4 बच्चे लेने पड़ेंगे, वो 4 बच्चे बाकी के 24 में से ही तो होंगे, तो बाकी के 24 में से 4 बच्चों का ग्रुप कितने टाइप से बन सकता है, 24C4 टाइप से, है ना, और इन सभी ग्रुप्स में 5वां बच्चा कौन होगा, ए होगा, ठीक है। तो ए कितनी बार जूलॉजिकल गार्डन चला जाएगा, 24C4 बार, क्यों, क्योंकि ए को इंक्लूड करते हुए कितने ग्रुप बनेंगे, इतने ही तो ग्रुप बनेंगे, तो अब ए इतनी बार जाएगा, ऐसे ही बी कितनी बार जाएगा, वो भी इतनी बार जाएगा, सी कितनी बार जाएगा, वो भी इतनी बार जाएगा, हर एक बच्चा कितनी बार गार्डन देखने जाएगा, 24C4 बार, आ गई बात समझ में, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बेटा टीचर की, कि टीचर गार्डन कितनी बार जाएगी, है ना, तो देखो टीचर कितने बच्चों को लेके जाती है,
पांच बच्चों को लेके जाती है ना, तो जब हम टीचर के रेफरेंस से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो टीचर के साथ चूंकि पांच बच्चों का ग्रुप जाता है एक बार में, तो टोटल कितने बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, तो 25 बच्चों में से पांच पांच बच्चों के अगर मैं ग्रुप बनाऊं तो कितने ग्रुप बनेंगे, 25C5 ग्रुप ही तो बनेंगे पांच पांच बच्चों के। अब पांच बच्चों के एक ग्रुप के साथ टीचर जाएगी है ना, तो इतने ग्रुप के साथ हर बार टीचर को जाना पड़ेगा, तो टीचर जूलॉजिकल गार्डन देखने कितनी बार जाएगी, 25C5 बार है ना। अब आपको बताना था कि टीचर बच्चों से कितनी ज्यादा बार गार्डन जाती है, तो हम क्या करेंगे बेटा, 25C5 में से 24C4 घटा देंगे। अब देखो ये जो 25C5 है इसको अगेन अगर मैं लिखना चाहूं तो 24C5 प्लस 24C4 लिख सकता हूं, इन दोनों का सम कितना आएगा, 25C5 तो आएगा माइनस का 24C4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 24C5। तो 24C5 कौन सा ऑप्शन है बेटा, बी ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ओके। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9 है ना, इसी डीपीपी में, डीपीपी 4 में। तो प्रॉब्लम नंबर 9 को डिस्कस करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है देखो पढ़ लेते हैं इसको। क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 9 डिफरेंट स्टेट लाइंस 9 डिफरेंट सर्किल्स, तो ये तो बताया था ना बेटा आपके पास स्ट्रेट लाइंस कितनी है 9, सर्किल्स कितने हैं, ये भी कितने हैं बेटा 9 है, ठीक है ना, तो इनके मैक्सिमम कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकते हैं या हो जाएंगे, तो देखो जो 9 स्ट्रेट लाइंस हैं इनके कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बनेंगे बेटा 9C2, सर्किल्स के कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बनेंगे 2×9C2, ये 2 क्यों, क्योंकि जब दो सर्किल इंटरसेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कर सकते हैं, दो पॉइंट पे कर सकते हैं इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट, ठीक है, तो 2×9C2। अब लाइन प्लस सर्किल की अगर मैं बात करूं तो लाइन और सर्किल्स के आपस में कितने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, एक लाइन सेलेक्ट की एक सर्किल सेलेक्ट किया और लाइन जब सर्किल को काटेगी तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बनेंगे बेटा 2, तो × 2 है ना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 9C2 कितना होगा, देखो 9C2 हो जाएगा कितना 36 और ये भी कितना हो गया 36×2 72, ठीक है, ये कितना आएगा 81×2 162, इनको ऐड कर लो तो 6, 2, 8, 2, 10, 0, 1, 4, 7, 11, 6, 17 और 1, 2, 270 आ जाएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है चलो। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की है ना, इसका आंसर तो सी था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसी के जस्ट बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है इफ एज मैनी मोर वर्ड्स एज पॉसिबल टू फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक है ना, एक वर्ड दिया हुआ है डॉगमेटिक, DOGMATIC है ना, देन द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवल्स एंड कंसोनेंट रिमेन्स अनचेंज है ना, डॉगमेटिक वर्ड के लेटर से और कितने अधिक ऐसे वर्ड बनाए जा सकते हैं इसके अलावा, ये कह रहा है कि और कितने अधिक, और कितने अधिक का मतलब उसमें इसको काउंट नहीं करना है ना, तो ऐसे कितने और वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनमें वोवल्स और कंसोनेंट्स का जो रिलेटिव ऑर्डर है वो चेंज ना हो। अब देखो जैसे इसमें एक तो आप ये चीज नोट करें कि सारे जो लेटर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है ना, कोई भी तो आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, फिर मैं बात करता हूं बेटा वोवल्स की, वोवल कौन कौन से हो गए, देखो एक तो ये आ गया वोवल, एरो बना दिया मैंने, एक वोवल ये आ गया और एक वोवल ये आ गया है ना, जैसे मैं पोजिशन नंबर डालू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो सेकंड पोजीशन पे वो भी लाया है, 5 पोजीशन पे वो भी लाया है, 7 पोजीशन पे वो भी लाया है, बाकी जो पोजीशन बची हैं 1, 3, 4, 6, 8 इन पे क्या आ रहे हैं, कंसोनेंट आ रहे हैं, तो कहने का मतलब ये कि 1, 3, 4, 6, 8 इन पे तो कंसोनेंट ही आए और 2, 5, 7 पोजीशन पे हमेशा क्या आए, वो भी लाए है ना, तभी तो इनका रिलेटिव ऑर्डर अनचेंज रहेगा, वोवल जिस पोजीशन पे आ रहे हैं उसी पोजीशन पे आते रहे और कंसोनेंट जिस पोजीशन पे आ रहे हैं उस पोजीशन पे आते रहे, ठीक है, तो होगा क्या बेटा, होगा ये कि जो वोवल्स हैं ये 3 हैं और ये 3 वोवल्स ही आपस में इंटरचेंज होंगे इन 3 प्लेसेस पे, कितने टाइप से होंगे बेटा ये फैक्टोरियल, 3 टाइप से इंटरचेंज होंगे, ठीक है अच्छा। उसके बाद बात करते हैं किसकी, कंसोनेंट्स की, तो कंसोनेंट्स कितने हैं आपके पास 2 है ना, 3 4
फाइव. कंसोनेंट कितने हैं? फाइव हैं. तो ये जो फाइव कंसोनेंट्स हैं ये कितने टाइप से इंटरचेंज होंगे? फैक्टोरियल, फाइव टाइप से. बोलो, ठीक है. तो कंसोनेंट्स का आपस में इंटरचेंज होता रहेगा और वोवेल्स का आपस में इंटरचेंज होता रहेगा, है ना. पोजीशन किसी की भी फिक्स, पोजीशन किसी की भी डिस्टर्ब करनी नहीं है. पोजीशन का मतलब वोवेल और कंसोनेंट की आपस में पोजीशन फिक्स, पोजीशन इंटरचेंज नहीं होगी, ठीक है. अभी हो गया बेटा 120 है ना, और ये कितना हो गया? सिक्स. तो कितना आ गया? 720. लेकिन इन 720 वर्ड्स में ये डॉगमेटिक वाला वर्ड भी इंक्लूड है, तो इसको अगर आप माइनस कर दें तो 719 वर्ड्स हो जाएंगे ना, 719 वर्ड आ जाएंगे जो डॉगमेटिक के अलावा बनेंगे और जो ऐसे बनेंगे जिनमें वोवेल्स और कंसोनेंट्स की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है. तो ये 10th क्वेश्चन था. हाँ बेटा, इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे. क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं इसी डीपीपी में. क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखो, इन हाउ मैनी वेज ए ग्रैंडफादर, है ना, कोई दादाजी हैं, ग्रैंडफादर, अलोंग विद टू ऑफ हिज ग्रैंडसन्स, है ना, इसके ग्रैंडसन्स पड़ पोते कितने बेटा? दो, ठीक है. और ग्रैंड डॉटर्स पोते, है ना, पड़ पोते नहीं पोते, ग्रैंडसन्स कितने हैं? दो. दो पोते हैं और पोतियां कितनी हैं इसकी? वो है बेटा चार, ठीक है. अच्छा, फोर ग्रैंड डॉटर्स कैन बी सीटेड इन ए लाइन फॉर ए फोटोग्राफ. अब एक फोटोग्राफ के लिए ना फोटो खिंचवा रही है, तो इनको एक लाइन में कितने टाइप से बिठाया जा सकता है? सो दैट ही इज ऑलवेज इन द मिडिल. ही इज ऑलवेज इन द मिडिल, है ना. कौन हो मिडिल में? हमेशा ग्रैंडफादर. ये मिडिल में हो, अब ये मिडिल में होगा, है ना, ग्रैंडफादर मिडिल में होगा, जी बना दिया मैंने, है ना. अब इसके अलावा कितने लोग हो रहे हैं? छह लोग हो रहे हैं, तो तीन लोग तो इधर आएंगे और तीन लोग इधर आएंगे, तभी तो ये मिडिल में होगा, तभी तो दादाजी मिडिल में होंगे, नहीं क्या? अच्छा, कंडीशन आगे है, ही इज ऑलवेज इन द मिडिल एंड द टू ग्रैंडसन्स आर नेवर एडजेसेंट टू इच अदर. अब ये जो दो ग्रैंडसन है ये एडजेसेंट नहीं होने चाहिए. एडजेसेंट नहीं होने का मतलब ये साथ में नहीं होने चाहिए, ये साथ में नहीं होने चाहिए. तो ऐसा कितने टाइप से होगा, है ना, या ऐसे कितने टाइप से फोटोग्राफ खिंचा सकते हैं, आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो बेटा हम क्या करेंगे, हम इसमें टोटल केस निकालेंगे, टोटल केस में से वो केस सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब ये दोनों ग्रैंडसन साथ में हो, एडजेसेंट हो, ठीक है. अब टोटल केस कैसे काउंट करेंगे, देखो देखो बेटा, जो मिडिल प्लेस है वो तो रिजर्व हो गया है ना, किसके लिए? ग्रैंडफादर के लिए, ठीक है, कि मिडिल में तो ग्रैंडफादर ही आएगा, है ना, मिडिल में दादाजी ही आएंगे. अब ये जो थ्री प्लेसेज हैं और ये जो थ्री प्लेसेज, इन पे अरेंजमेंट करना है, तो टोटल जनता कितनी है आपके पास? छह लोगों की जनता है ना. अभी छह में से कोई से तीन सेलेक्ट कर लिया आपने, कितने टाइप से? 63 टाइप से. उन तीन लोगों को आपने यहां इन तीन सीटों पे बैठा दिया, कितने टाइप से? फैक्टोरियल थ्री टाइप से. अब बाकी तीन लोग बचे वो यहां पे बैठ जाएंगे, कितने टाइप से? फैक्टोरियल थ्री टाइप से. ये टोटल केस हो गए ना, टोटल इतने टाइप से वो फोटोग्राफ खिंचा सकते थे अगर दादाजी मिडिल में होते और कोई कंडीशन नहीं होती तो, ठीक है ना. लेकिन अब कंडीशन लगा दी कि ये जो दो ग्रैंडसन है ये साथ में होने नहीं चाहिए, है ना, साथ में नहीं होने चाहिए. तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से वो केस घटा देंगे जब ये दोनों ग्रैंडसन साथ में हो, ठीक है. अब दोनों ग्रैंडसन जब साथ में होंगे तो बेटा देखो, वो या तो इस साइड में बैठेंगे या वो इस साइड में बैठेंगे. बोलो, ऐसा ही तो होगा ना. अच्छा, अब जब इस साइड में बैठेंगे तो आप ऐसा करो, यहां पे दो ग्रैंडसन तो आई गए, है ना, उनके साथ एक तीसरा आदमी और लेना पड़ेगा. वो तीसरा आदमी जो आएगा, इन चार में से कोई एक आएगा, तो इन चार में से कोई एक आदमी सेलेक्ट किया, ठीक है ना. उस एक आदमी को और दो ग्रैंडसन को कितने साथ बैठा सकते हो यहां पे, कितने टाइप से बैठा सकते हो जब दोनों ग्रैंडसन साथ में आएंगे? फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल टू टाइप से. कैसे? देखो फिर से समझो, हमने क्या किया, हम दो ग्रैंडसन को, दोनों ग्रैंडसन को साथ में ले रहे हैं. अब साथ में ले रहे हैं तो पहले मैंने इस साइड में बैठाया बेटा उनको. अब इस साइड में जब बैठाएंगे तो दो तो ग्रैंडसन हो गए, एक सीट और बचेगी ना, वो एक सीट जो है उस एक सीट पर इन चार में से कोई एक जना बैठेगा. तो पहले इन चार में से वो एक जना सेलेक्ट कर लिया 4C1 टाइप से, है ना. तो अब यहां पे कितने लोग हो गए बेटा? यहां पे तीन लोग हो गए. कितने लोग हो गए यहां पे? तीन लोग हो गए. अब इन तीन लोगों को बैठाना है आपको इस तरह से कि ये जो दो ग्रैंडसन है ये साथ में रहें. तो तीन लोगों में से जो दो साथ में रखने हैं ना, उनको एक ही काउंट करो, कितना आएगा?
दो आएगा, तो हम दो लोगों का अरेंजमेंट कितने टाइप से, फैक्टोरियल टू टाइप से। अब वो जो दोनों ग्रैंडसन साथ में है वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं कितने टाइप से, फैक्टोरियल टू टाइप से, ठीक है। तो यहां पे बैठ गए इन टू। अब बाकी के जो तीन लोग बचे हैं वो यहां बैठ जाएंगे कितने टाइप से, फैक्टोरियल थ्री टाइप से, बोलिए, ठीक है। ये तो वो केस है जब दोनों ग्रैंडसन इस साइड में है। अब दोनों ग्रैंडसन इस साइड में भी आ सकते हैं तो उसके लिए भी सेम केस बनेंगे, इसलिए इन टू क्या कर दिया बेटा, टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करो, इससे आंसर बनेगा, देखो 6C3 कितना होता है, 6C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, है ना, और ये हो जाएगा 6 × 6, तो 36 × 20 कितना हो गया बेटा, 720 हो गया। ये तो माइनस इधर कितना आएगा, देखो 4 × 2 × 2 कितना हो गया, ये 16 × 6 कितना हो गया, 96 × 2 कितना आ जाएगा, 192, है ना। तो 10 में से 2 घटाओ 8, 11 में से 9 घटाएंगे 2, और ये 5, 528 आ जाएगा, 528 इसका आंसर बन जाएगा, है ना। तो 528 इसका आंसर हो गया। बोलो प्रॉब्लम समझ में आई, पहले टोटल केस निकालो जब ग्रैंडफादर मिडिल में हो, ठीक है, फिर उसमें से वो केस घटा दो जब दोनों ग्रैंडसन साथ में हो। अब जब दोनों ग्रैंडसन साथ में होंगे तो या तो इस साइड में बैठेंगे, इस साइड में बैठेंगे, तो जितने केस इस साइड में बैठने के बनेंगे उतने ही केस इस साइड में बैठने के बनेंगे, उसके लिए ये कैलकुलेशन होगी, माइनस कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 भी आपने पूछा है, इसको बता देते हैं, है ना। देखो बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 15। ए फोरकास्ट इज टू बी मेड, फोरकास्ट का मतलब है बेटा प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन कह लो, पूर्व अनुमान कह लो, या भविष्यवाणी भी कह सकते हो, है ना। ए फोरकास्ट इज टू बी मेड ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ 5 क्रिकेट मैच, 5 क्रिकेट मैचेस के बारे में फोरकास्ट की जाती है ना, भविष्यवाणियां की जाती है, ईच ऑफ विच कैन बी विन ड्रॉ और लॉस फॉर इंडियन टीम, है ना। और वो जो भविष्यवाणियां की जाती हैं वो 5 मैचों की, जैसे मैच 1 हो गया, है ना, मैच 2 हो गया, मैच 3 हो गया, मैच 4 हो गया, मैच 5 हो गया, है ना। और ये किसके लिए है, इंडिया के लिए है, ये जो फोरकास्ट किया जा रहा है किसके लिए किया जा रहा है, इंडिया के लिए। अब इन फोरकास्ट में 3 पॉसिबिलिटी बताई जाती हैं कि साहब इंडिया विन करेगा, या इंडिया मैच हारेगा, या फिर मैच क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, 3 ही केस होंगे, ठीक है। तो द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल फोरकास्ट, तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसे कितने डिफरेंट फोरकास्ट किए जा सकते हैं इन मैचेस के बारे में, है ना, इंडिया के लिए। तो देखो फर्स्ट जो मैच है इसके बारे में कितने टाइप से फोरकास्ट किया जा सकता है, 3 टाइप से, कि इंडिया या तो जीतेगा या हारेगा, या मैच ड्रॉ होगा। दूसरा जो मैच है इसके बारे में भी कितने टाइप से फोरकास्ट किया जा सकता है, 3 टाइप से, इसके लिए भी 3 टाइप से, इसके लिए भी 3 टाइप से, इसके लिए भी 3 टाइप से, तो 3 की पावर 5, है ना, कितना आ जाएगा बेटा, 243। तो टोटल कितने फोरकास्ट बनाए जा सकते हैं, 243, है ना, अबाउट दीज 5 मैचेस। नाउ सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फोरकास्ट कंटेनिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5 एरर्स रेस्पेक्टिवली। अब उन फोरकास्ट की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ फोरकास्ट, ध्यान देना, नंबर ऑफ फोरकास्ट विद 0 एरर। पहले 0 एरर की बात करते हैं, 0 एरर का मतलब क्या है, 0 एरर का मतलब यह है कि भविष्यवाणी गलत होने की संभावना नहीं हो, है ना, भविष्यवाणियां गलत ना हो, भविष्यवाणी एकदम सटीक हो, कि जो आपने बोला वही घटित हो जाए, तभी तो 0 एरर मानी जाएगी, है ना। अब देखो एक फोरकास्ट इसके बारे में, एक फोरकास्ट इसके बारे में, एक फोरकास्ट ऐसे फोरकास्ट किए जाएंगे, तो टोटल कितने फोरकास्ट होंगे, 243। अब इन 243 फोरकास्ट में केवल एक ही पॉसिबिलिटी या एक ही केस ऐसा होगा जब सभी भविष्यवाणियां सही होंगी, जब सभी भविष्यवाणियां सही होंगी। जैसे मान लो इनके बारे में फोरकास्ट कर दिया कि साहब इसको तो विन करेगी इंडिया, इसको विन करेगी, इसको लॉस करेगी, इसको लॉस करेगी, और इसको ड्रॉ करेगी, तो ये जो है WWLLD, ये वाला जो केस होगा, ये वाला केस इन 243 में एक बार ही तो आएगा। तो 0 एरर के साथ, 0 एरर के साथ नंबर ऑफ फोरकास्ट कितनी होंगी बेटा, 1 होगी, केवल एक बार ही ऐसा होगा कि जब सारी भविष्यवाणियां सही होंगी इन 5 मैचेस के बारे में, ठीक है। अच्छा फिर
नंबर ऑफ फोरकास्ट विद वन एरर, इसको समझो। अब ये कह रहा है कि वन एरर के साथ कितनी फोरकास्ट की जा सकती है। वन एरर का मतलब ये है कि आप पांच भविष्यवाणियां कर रहे हो, पांच में से एक भविष्यवाणी गलत हो जाए और बाकी क्या हो, चार सही हो। अब पांच में से जब एक भविष्यवाणी गलत होगी तो वो तो किसी भी मैच के बारे में हो सकती है। तो टोटल पांच मैच हैं, पांच में से एक मैच अपन ने सेलेक्ट कर लिया, उस मैच के बारे में भविष्यवाणी गलत हो गई। अब उस मैच के बारे में भविष्यवाणी गलत कितने टाइप से हो सकती है? गलत हो सकती है बेटा दो टाइप से। क्यों? जैसे मान लो, अब जैसे ये जो मैच है, इस मैच के बारे में भविष्यवाणी की गई कि इंडिया इस मैच को विन करेगा, है ना? तो भविष्यवाणी के सही होने का तो एक ही केस होगा, जब मैच विन करे इंडिया, ठीक है। लेकिन भविष्यवाणी के गलत होने के दो केस हो जाएंगे। अगर मान लो इंडिया मैच को हार जाता है या मैच ड्रॉ हो जाता है, तो इन दोनों ही केसेज में भविष्यवाणी गलत हो जाएगी, ठीक है ना। तो किसी एक मैच के बारे में प्रेडिक्शन कितने टाइप से गलत हो सकता है? दो टाइप से गलत हो सकता है, लेकिन सही एक ही टाइप से होगा, है ना। तो यहां पे पांच में से एक मैच में भविष्यवाणी क्या करनी है आपको? गलत करनी है। तो पांच में से एक मैच सेलेक्ट किया और उसकी में भविष्यवाणी गलत कर दी। भविष्यवाणी गलत कितने टाइप से हो सकती है? दो टाइप से। बाकी के जो चार मैच बचे हैं, उन चारों में भविष्यवाणियां क्या हो? सही हो। तो भविष्यवाणी सही केवल एक ही टाइप से हो सकती है ना। तो कितना जाएगा बेटा? 10 आ जाएगा इसका आंसर। आगे बात सुन में। ऐसे अगर मान लो मैं टू एरर के साथ बात करूं, अगर मान लो टू एरर के साथ कितने नंबर ऑफ फोरकास्ट किए जा सकते हैं, वो अगर आप कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट होंगे? अब टू एरर का मतलब दो भविष्यवाणियां गलत हों, तो पांच में से पहले दो मैच सेलेक्ट कर लिए, उनकी भविष्यवाणियां गलत हो गई, कितने टाइप से? 2 × 2 टाइप से। और बाकी के तीन मैच की भविष्यवाणियां क्या होंगी? सही होंगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? देखो, यह आएगा 10 × 4 = 40। तो टू एरर के साथ कितने नंबर ऑफ फोरकास्ट किए जा सकते हैं? 40, है ना। इसी तरह से 3, 4, 5 के लिए फाइंड कर लेना आप, इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 15 इन DPP 4। अब DPP 5 में बात करते हैं। तो वेट फॉर ए मिनट। ओके, DPP 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने प्रॉब्लम में भेजा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए सेल्फ कंटेन्स 20 डिफरेंट बुक्स। एक सेल्फ है, एक अलमारी है जिसमें 20 डिफरेंट बुक्स हैं, 20 डिफरेंट बुक्स, ठीक है। अब इनमें देखो, 4 जो बुक्स हैं वो सिंगल वॉल्यूम में हैं। वॉल्यूम का मतलब पार्ट, है ना। जैसे आता है ना किसी बुक के एक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस तरह से। तो 4 जो बुक्स हैं वो सिंगल वॉल्यूम है, मतलब उनका एक एक पार्ट ही है, ठीक है। एक जो बुक है उसके 8 वॉल्यूम है, एक जो बुक है उसके 5 वॉल्यूम है, एक जो बुक है उसके 3 वॉल्यूम्स है। अब इन सभी बुक्स को सेल्फ पे अरेंज करना है, अलमारी में जमाना है, ठीक है। तो ऐसा कितने टाइप से किया जा सकता है? नंबर ऑफ वेज इन विच द बुक्स मे बी अरेंज्ड ऑन द सेल्फ इफ द वॉल्यूम्स ऑफ ईच सेट आर टुगेदर एंड इन देयर ड्यू ऑर्डर इज। तो इन बुक्स को एक अलमारी में कितने टाइप से जमाया जा सकता है, जबकि एक ही बुक के सारे वॉल्यूम साथ में रहें और वो अपने ड्यू ऑर्डर में हो। ड्यू ऑर्डर का मतलब है कोई पर्टिकुलर गिवन ऑर्डर है, उसी में आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो, जो जैसे 8 वॉल्यूम्स जो हैं ये साथ में होने चाहिए, ये 5 वॉल्यूम साथ में होने चाहिए, ये 3 वॉल्यूम साथ में होने चाहिए, और ये तो 4 डिफरेंट सिंगल वॉल्यूम बुक्स थी, ठीक है ना। तो टोटल कितनी बुक्स हो जाएंगी जब आप इनको एक साथ रखोगे, इन 8 बुक्स को एक साथ रखोगे, इन 5 बुक्स को एक साथ रखोगे, इन 3 बुक्स को एक साथ रखोगे, तो हम क्या करेंगे? इनको 1 काउंट करेंगे, इसको भी एक ही काउंट करेंगे, इसको भी एक ही काउंट करेंगे, तो 3 तो ये हो गए एक तरह से, और 4 ही हो गए। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 7 हो गए। अब इन 7 बुक्स को आप सेल्फ पर कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल 7 टाइप से अरेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अब इन अरेंजमेंट्स में देखो, ये जो 8 वॉल्यूम्स हैं एक साथ रहेंगे, ये जो 5 वॉल्यूम्स हैं एक साथ रहेंगे, और ये जो 3 वॉल्यूम्स हैं ये एक साथ रहेंगे, ठीक है। और इनका जो भी गिवन ऑर्डर होगा इन वॉल्यूम्स का, उसी ऑर्डर में इनको अरेंज कर देंगे। ऑर्डर का मतलब, जैसे भाई गिवन ऑर्डर मान लो इस तरह से, फर्स्ट वॉल्यूम को पहले रखना है, सेकंड वॉल्यूम को बाद में रखना है, थर्ड वॉल्यूम को बाद में रखना है, फिर उसके बाद फोर्थ वॉल्यूम आए, उसके बाद फिफ्थ वॉल्यूम आए, इस तरह से कोई एक ऑर्डर फिक्स कर दिया है ना,
उस ऑर्डर में इनको रख देंगे हम। तो आगे अंदर इनका अरेंजमेंट नहीं होगा फैक्टोरियल 8 टाइप से, ऐसे ही इनका अरेंजमेंट नहीं होगा फैक्टोरियल 5 टाइप से, इनका अरेंजमेंट नहीं होगा फैक्टोरियल 3 टाइप से। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो गिवन है। ड्यू ऑर्डर का मतलब यही है कि गिवन ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। केवल इनका आपस में अरेंजमेंट होगा कितने टाइप से, फैक्टोरियल 7 टाइप से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो फैक्टोरियल 7 होगा, है ना, लेकिन इसमें आपको फैक्टोरियल 8 दिया हुआ है, तो फैक्टोरियल 8 तो नहीं होगा, फैक्टोरियल 7 इसका आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था ये। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 ऑल ऑफ द फाइव डिजिट नंबर्स, फाइव डिजिट नंबर्स की बात हो रही है बेटा, है ना। ये हम पढ़ रहे हैं डीपीपी 5 में क्वेश्चन नंबर 3, ये फाइव डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, इन विच द सक्सेसिव डिजिट एक्सीड्स इट्स प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर का मतलब क्या है, देखो कि आगे आने वाला जो डिजिट है वो अपने पीछे वाले डिजिट से ज्यादा है। आगे आने वाला डिजिट पीछे वाले डिजिट से क्या है, ज्यादा। जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखूं, है ना, मान लो मैंने लिखा 7 6 5 4 3, है ना, तो फाइव डिजिट नंबर है। तो आगे आने वाला नंबर क्या इससे कम है, जबकि इसमें क्या कंडीशन है, आगे आने वाला नंबर पीछे वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो 3 4 5 6 7, अब देखो जैसे 4 है, 4 किससे ज्यादा है 3 से, 5 है, 5 किससे ज्यादा है 4 से, 6 किससे ज्यादा है 5 से, है ना, 7 किससे ज्यादा है 6 से, इस तरह से। यहाँ पे 9 भी हो सकता था, नहीं क्या, इस तरह से। तो जो नंबर आप बना रहे हो 5 डिजिट, उनमें आगे आने वाले जो नंबर्स हैं वो अपने जस्ट पीछे वाले नंबर से क्या हैं, बड़े हैं। आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अब ऐसे जितने भी नंबर्स बनते हैं ना इस कंडीशन को फॉलो करते हुए, उन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो 97 नंबर या 97th जो नंबर बनेगा लिस्ट में, है ना, या 97th पोजीशन पे जो नंबर आएगा उसमें इन ऑप्शंस में से कौन सा डिजिट नहीं होगा, ना ऑप्शंस इस तरह से बेटा 4 5 7 8, 97th पोजीशन पे जो नंबर आएगा उस नंबर में इनमें से कौन सा डिजिट नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, क्वेश्चन में देखो दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो यह है कि फाइव डिजिट नंबर बनाना है जिसमें आगे आने वाले नंबर्स पीछे वाले नंबर से क्या हो, आगे आने वाले जो डिजिट्स हैं वो पीछे वाले डिजिट से क्या हो, बड़े हों। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि इन नंबर्स को, ऐसे जितने भी नंबर्स बनेंगे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो 97th पोजीशन पे जो नंबर बनेगा उसमें इनमें से कौन सा डिजिट नहीं होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, चलो बात करते हैं। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फाइव डिजिट नंबर बनाने बेटा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइव डिजिट, ये फाइव प्लेसेस बना लिए। अब मान लो यहाँ पे क्या हो, फर्स्ट प्लेस पे 1 हो, 0 तो आ ही नहीं सकता फर्स्ट प्लेस पे, 0 रख दिया तो फिर वो नंबर 4 डिजिट का बनेगा। फर्स्ट प्लेस पे कितना हो बेटा, 1 हो। अब फर्स्ट प्लेस पे जब 1 होगा, फर्स्ट प्लेस पे जब 1 होगा तो ये जो 4 नंबर्स होंगे, ये 4 नंबर्स आपके 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, कितने बने, ये 8 बने। इन 8 में से कोई से 4 होंगे। अब इन 8 में से कोई से 4 सेलेक्ट कर लिए मैंने, कितने टाइप से, 8C4 टाइप से, है ना। अब 8C4 टाइप से जब आपने सेलेक्ट किए हैं तो क्या होगा, नंबर्स तो सारे 1 से ही बड़े होंगे, है ना। तो इन 4 नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर आएगा उसको यहां लिख देना, उससे बड़े नंबर को यहां लिख देना, उससे बड़े नंबर को यहां लिखना, और सबसे बड़ा नंबर यहां जाएगा। तो अपनी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना, क्या, कि जो डिजिट्स हैं वो पीछे वाले नंबर से क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ठीक है ना भाई, इनमें से आप जो 4 नंबर सेलेक्ट करोगे उनका अरेंजमेंट नहीं करना है, अरेंजमेंट यहां पे ऑर्डर फिक्स है। ऑर्डर क्या फिक्स है, जो सबसे छोटा नंबर आएगा वो यहां लिखना है, उससे बड़ा नंबर यहां लिखना है, उससे बड़ा नंबर यहां लिखना है, उससे बड़ा नंबर यहां लिखना है, और ये सारे नंबर 1 से बड़े होंगे। तो अपनी जो कंडीशन है कि 5 डिजिट नंबर में आगे आने वाले डिजिट क्या होने चाहिए, पीछे वाले डिजिट से बड़े होने चाहिए, तो वो इसमें ट्रू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है ना, तो 8C4 नंबर बनेंगे ऐसे जिनमें फर्स्ट प्लेस पे क्या होगा, 1 होगा। तो ये कितने हो गए बेटा, कैलकुलेट करो एक बार, 8 7, है ना, और 6 5 4 3 2 1, तो ये हो गया बेटा कितना, 70 नंबर्स हो गए। कितने हो गए, 70 नंबर्स, हमें 97 पे जाना है, ध्यान देना, 70 नंबर्स हो गए। चलो अब मैंने यहाँ पे किसको फिक्स कर दिया बेटा, 1 को फिक्स कर दिया। किसको फिक्स किया, 1 को।
वन को तो फिक्स कर दिया ना, टू को फिक्स कर दिया, किसको फिक्स कर दिया, अब यहां पे टू को फिक्स कर दिया। अब देखो जब यहां पे टू को फिक्स कर दिया है तो अब इन प्लेसेज पे एक तो टू नहीं आएगा और एक वन नहीं आएगा, जीरो भी नहीं आएगा। इन प्लेसेज पे जीरो नहीं आएगा, वन नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, ये टू हटा दिया मैंने लिस्ट में से। तो बाकी के जो डिजिट्स बचे हैं, कितने डिजिट बचे, सेवन। इन सेवन में से कोई चार सेलेक्ट करना, सेवन में से कोई चार सेलेक्ट कर लिए, फिर में जो सबसे छोटा आएगा वो यहाँ, उससे बड़ा यहाँ, उससे बड़ा यहाँ, उससे बड़ा यहाँ, और सारे नंबर किससे बड़े होंगे, टू से बड़े होंगे, है ना। तो सेवन सी फोर कितना हो जाएगा बेटा, सेवन सिक्स फाइव फोर, है ना, फोर थ्री टू वन, तो ये कैंसिल इससे और ये इससे कैंसिल, कितना हो गया 35। अच्छा ये तो 105 से 105 हो गया ना, 105 का मतलब 97 से ज़्यादा निकल गए, 97 से ज़्यादा निकल गए। तो आप ऐसा करो, टू तो फिक्स कर ही दिया, अब टू के साथ किसी एक को और फिक्स करो बेटा, किसी एक को किसको फिक्स कर दूं मैं, टू के साथ मैंने यहाँ पे किसको फिक्स कर दिया, जैसे वन तो आ ही नहीं सकता था, टू भी नहीं आ सकता, जीरो भी नहीं आ सकता, थ्री को फिक्स कर दिया, किसको फिक्स कर दिया, थ्री को। अब थ्री को फिक्स करूँगा तो ये जो थ्री नंबर्स हैं ये इन सिक्स में से हो सकते हैं कोई भी तीन, इस सिक्स में से कोई तीन नंबर 63 टाइप से होंगे, उनको अरेंज अपन कर ही देंगे, है ना। तो ये आएगा 6 5 4 3 2 1, है ना, ये कट गया इससे, कितना आ गया, 20 नंबर्स हो गए। तो 70 प्लस 20 कितना हो गया, 90, है ना, तो हम 90 तक पहुंच गए, ठीक है। अच्छा अब अगला जो नंबर होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 3 से, कहां से स्टार्ट होगा, 3 से। 3 के बाद क्या आएगा बेटा, देखो अब ये आपको बनाने पड़ेंगे, नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 3 से स्टार्ट होगा, है ना। यहां लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा स्पेस की कमी लग रही है मेरे को, 3 4 5 6 7, इसके जस्ट बाद, मतलब 91th पोजीशन पे जो नंबर आएगा वही होगा 3 4 5 6 7, फिर आएगा 3 4 5 6 8, फिर 3 4 5 6 9, ये 92 पोजीशन पे आ गया, ये 93 पोजीशन पे आ गया, हमको 97 पे जाना है, ठीक है। अच्छा 3 4, इसके बाद फिर यहाँ पे क्या लें बताओ, 5 6 9 के बाद 6 7 8, बोलो 94 पे आ गया, 3 4 6 7 9, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ मैं बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, 95 नंबर पे आ गया, ठीक है, फिर 3 4 7 8 9, ये 96 नंबर पे आ गया। अब 97th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा देखो जरा, 3 4 7 8 9 हो गया ना, फिर 3 4 9 यहाँ, 8 यहाँ आएगा नहीं, 8 9, फिर यहाँ पे अपने पास कोई डिजिट नहीं होगा फिल करने के लिए, है ना। तो फिर क्या रखें, अब यहाँ पे बताओ, 5 वाला केस हो गया, 6 वाला केस हो गया, 7 वाला केस हो गया, है ना, 8 9 वाला केस बनेगा नहीं, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा बेटा, 5 रखा एक बार, 5 5 के बाद 6 7 8, ये नंबर आएगा, ये नंबर आएगा कितने पोजीशन पे, 97 नंबर पे आएगा, है ना। तो इसमें देखो 4 आ गया, 4 नहीं आया थर्ड में, एक मिनट रुको, यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हो रही है अपन से, ये तो 90 नंबर्स हो ही गए थे, ठीक है ना। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में 91th पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा बेटा, 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 7, फिर इसके जस्ट बाद जो नंबर आएगा वो आएगा 3 4 5 6 8, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 4 5 6 9 आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर 3 4 6 7 8, 3 4 6 7 9, ठीक है। अच्छा फिर 3 4 92 93 94 95 96, है ना, 97 पोजीशन पे बात करनी, 3 4 7 8 9 और 3 5 6 7 8, ये नंबर आ रहा है 97 पोजीशन पे, तो हमारे अकॉर्डिंग तो इसका जो आंसर है देखो क्या हो गया, 4, लेकिन इसमें 4 नहीं दिया ना, आंसर क्या दिया हुआ इसका, 5, इसका मतलब कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, देखो क्या मिस्टेक हो रही है, कौन सा नंबर अपन ने नहीं लिखा है उसको देखो भाई, 3 के बाद में 3 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, है ना। तो 3 के बाद में आपके पास 4 5 6 7 8 9, ये तो नंबर बचे, तो 4 5 6 7 4 5 6 8 4 5 6 9, फिर क्या बन सकता है इसमें, अच्छा ऐसे होगा नहीं कि 7, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गई बेटा,
ये सिक्स वाली तो बाद में आई है ना, यहाँ पे अब नंबर आएगा बेटा 3, 4, 5, 7, 8, फिर 3, 4, 5, 7, 9 है ना, ये 94 नंबर पे होगा, ये 95 नंबर पे होगा, 3, 4, 5, 7, 9 हो गया ना, फिर 3, 4, 5, 8, 9 और फिर 3, ये 96 नंबर पे हो गया, ठीक है, फिर 3, 4, 5, 9, 8 नहीं आएगा ना, 3, 4, 5 क्या आ सकता है आप देखो, 5, 6 वाला हो गया, 5, 7 वाला हो गया, 5, 8 वाला हो गया, 5, 9 वाला नहीं हुआ, तो आएगा 3, 4 उसके बाद 6, 7, 8, 3, 4, 6, 7, 8 ये आएगा बेटा 97th पोजीशन पे। तो अब देखो इसमें 4 आ गया, 5 नहीं आया, 7 आ गया, 8 आ गया ना, ऑप्शंस में देखो कौन सा डिजिट नहीं आ रहा इसमें, 5 नहीं आ रहा, तो इसमें यही पूछा कि कौन सा डिजिट नहीं होगा नंबर में, तो 5 नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 90 नंबर्स होने के बाद में, 90 नंबर्स होने के बाद में तो फिर आपको ये बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। ए जेंटलमैन इनवाइट्स ए पार्टी ऑफ एम प्लस एन फ्रेंड्स, है ना, टोटल फ्रेंड्स कितने हैं बेटा, एम प्लस एन है, ठीक है, फ्रेंड्स टू ए डिनर एंड प्लेसेस एम एट वन टेबल T1, एक टेबल है बेटा T1 है ना, राउंड टेबल है, और एक टेबल है कौन सी T2, यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, ये T2 राउंड टेबल है, ये T1 राउंड टेबल है। अब इस पे तो M लोगों को बैठाया जाता है, इस पे कितने लोगों को बैठाया जाता है, N लोगों को बैठाया जाता है। इफ नॉट ऑल पीपल शैल हैव द सेम नेबर इन एनी टू अरेंजमेंट्स द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन अरेंज द गेस्ट। अब वो इन एम प्लस एन लोगों को इन दो टेबल्स पर कितने टाइप से बिठा सकता है, जबकि कोई भी दो अरेंजमेंट में सभी के सेम नेबर ना हो, ऑल शैल नॉट हैव सेम नेबर, सभी के सेम नेबर ना हो, है ना, तो सभी के सेम नेबर ना हो, तो पहले तो आप ये देखो टोटल केस कितने होंगे, टोटल केस कितने होंगे, देखो एम प्लस एन में से आपने एम लोगों को सेलेक्ट कर लिया, एम लोगों को इस गोल टेबल पे बिठा दिया, कितने टाइप से बिठा, फैक्टोरियल एम माइनस वन टाइप से, और फिर बाकी जो एन लोग बचे हैं उनको इस टेबल पे बिठा दिया, कितने टाइप से, फैक्टोरियल एन माइनस वन टाइप से। तो अगर कोई कंडीशन नहीं होती, केवल बैठाने का काम होता, ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाता, लेकिन अब यहाँ पे बैठाने के बाद कंडीशन लगा दी क्या कि कोई भी दो में सेम नेबर नहीं होने चाहिए सभी के, है ना। तो पहले मैं इसकी बात करता हूँ बेटा, अगर मैं इस सर्किल में बात करूँ तो ऐसे कौन से अरेंजमेंट होंगे जब सभी के सेम नेबर होंगे, ऐसे अरेंजमेंट कौन से होंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले। जैसे आप इसको समझो, मान लो मैंने चार लोग बैठाए ए बी सी डी, तो इस तरह से अगर देखें तो ये इनका क्लॉकवाइज अरेंजमेंट हो गया, है ना, और ए बी सी डी ये क्या हो गया बेटा, इनका एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट हो गया। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट परमुटेशन काउंट होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले, ठीक है ना। लेकिन अब आप इसमें देखो, यहाँ पे जैसे ए के नेबर कौन कौन है, बी और डी, यहाँ पे ए के नेबर कौन है, बी और डी, बी के नेबर कौन है, ए और सी, यहाँ पे बी का नेबर कौन है, ए और सी, सी का नेबर कौन है, डी और बी, यहाँ पे सी का नेबर कौन है, डी और बी, डी का नेबर कौन है, ए और सी, यहाँ पे डी का नेबर कौन है, ए और सी। तो देखो इन दो अरेंजमेंट्स में सभी के नेबर सेम हैं, सभी के नेबर क्या हैं, सेम हैं। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो करस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट्स होंगे उन दो अरेंजमेंट्स में सभी के नेबर क्या होंगे, सेम होंगे, सभी के नेबर क्या होंगे, सेम होंगे। अब सभी के नेबर क्या होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, तो क्या करें, क्या करेंगे फिर, फिर अपन इन दोनों को एक ही काउंट करेंगे, फिर अलग अलग क्यों काउंट करेंगे। तो इसके लिए, इस वाली टेबल के लिए क्या करेंगे, टू से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, टू से डिवाइड कर देंगे, और फिर बची ये वाली टेबल, इसके लिए भी क्या करेंगे, फिर फैक्टर टू से डिवाइड कर दोगे, नहीं क्या, ठीक है। तो देखो अब इससे क्या बनता है आंसर आपका, एम प्लस एन सी एम, ये बन जाएगा बेटा फैक्टोरियल एम प्लस एन बटे फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल एन, ये फैक्टोरियल एम माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन अपॉन टू इंटू टू कितना हो गया, फोर। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें से एक एम निकालेंगे, इसमें से एक एन निकालेंगे, तो ये कट जाएंगे, तो इसका जो आंसर है वो ऐसे आ जाएगा, फैक्टोरियल एम प्लस एन अपॉन एम एन इंटू फोर, फैक्टोरियल एम प्लस एन अपॉन 4
4 mn, ठीक है। हाँ तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, बोलो ठीक है एकदम। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं फटाफट से, क्योंकि आज बेटा डीपीपी 5 तक ही अपन डिस्कस कर पाएंगे ना, अब बाकी के जो क्वेश्चन है मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, ठीक है। एट नंबर क्वेश्चन क्या है देखो इस डीपीपी का, डीपीपी 5 एट नंबर क्वेश्चन में एक नंबर दिया हुआ है बेटा एन, है ना, ये नंबर है 12 डिजिट का, 1 2 3 5 3 7 5 2 3 3 6 2, 12 डिजिट नंबर है। तो नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स ऑफ दिस 12 डिजिट नंबर एन, इफ ईच 5 डिजिट नंबर हैज टू अलाइक टू अदर अलाइक वन डिफरेंट डिजिट। अब ऐसे कितने 5 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं, 5 डिजिट्स नंबर्स, है ना, जिनमें दो संख्याएं एक जैसी हों, फिर दो संख्याएं एक जैसी हों और एक संख्या क्या हो, डिफरेंट हो। एकदम सिंपल है देखो कैसे, ये जो 12 डिजिट नंबर है इसमें देखो जैसे मैं 2 की बात करूं तो 2 कितनी बार आ गया बेटा इसमें, 3 बार आ गया, है ना, 2s कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार, ठीक है। फिर 3 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, 3s कितनी बार आ गए, 4 टाइम्स, 5 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स, ठीक है। फिर बच्चा बेटा क्या, 1 7 6, ये एक एक बार है, 1 7 6 ये एक एक बार है, तो 3 4 7 9 3 12 टोटल 12 हो गए। तो आप तो ऐसे मान लो ना कि ये जो लेटर्स हैं ये 3 लेटर्स आए हैं, तो या 3 लेटर्स एक जैसे हैं, ये 4 लेटर एक जैसे हैं, ये 2 लेटर एक जैसे हैं, और ये 3 लेटर क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। अब आपको एक 5 लेटर वर्ड बनाना है जिसमें 2 लेटर एक जैसे हों, 2 लेटर एक जैसे हों, एक लेटर क्या हो, डिफरेंट हो। अब देखो 2 लेटर एक जैसे हों, 2 लेटर एक जैसे हों, तो आप ऐसे देखो कि दो दो लेटर्स के कितने ग्रुप बनेंगे सेम लेटर्स के। तो देखो जैसे एक ग्रुप यहां से बनाया जा सकता है, है ना, 2 2 का, एक ग्रुप यहां से बनाया जा सकता है 2 3 का, और एक ग्रुप यहां से बनेगा 2 5 का। तो 2 2 का एक ग्रुप, 2 3 का एक ग्रुप और 2 5 के एक ग्रुप, तो आइडेंटिकल 2 2 आइडेंटिकल लेटर्स के कितने ग्रुप बन गए आपके पास, 3 ग्रुप बन गए। उन 3 में से कोई 2 ग्रुप सेलेक्ट कर लो, कितने टाइप से, 3C2 टाइप से। तो उन दो ग्रुप में दो नंबर से एक जैसे और दो नंबर से एक जैसे आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट नंबर लेना है ये कितने टाइप से लिया जा सकता है, देखो मान लो ये जो 2 ग्रुप आए वो ये वाले और ये वाले आए, है ना। अब इन दोनों के अलावा डिफरेंट टाइप के कितने नंबर बचे, 3 तो ये थे और एक ये बचेगा 5 4, तो इन 4 में से कोई एक आ सकता है कितने टाइप से, 4C1 टाइप से। अब इनका अरेंजमेंट करो क्योंकि आपको नंबर बनाना है, तो टोटल 5 डिजिट थे तो फैक्टोरियल 5, 2 एक जैसे हैं 2 एक जैसे हैं, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, इसको सॉल्व कर लो तो ये होता बेटा 3, ये होता 4, ये 120/4, ये इससे कट जाएगा, इससे काटो, कितने नंबर बने, ये 360 नंबर बन गए, 360 हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो अब हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है, नाइन नंबर क्वेश्चन है बेटा, इन ए यूनिक हॉकी सीरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक हॉकी सीरीज होती है, है ना, दे डिसाइडेड टू प्ले ऑन टिल ए टीम विंस 5 मैचेस। अब वो जो सीरीज हो रही है हॉकी की उसमें 5 मैच खेले जाते हैं ना, नहीं उसमें मैच तब तक खेले जाते हैं जब तक कि कोई एक टीम 5 मैच ना जीत जाए, कहने का मतलब सीरीज को जीतने के लिए 5 मैच जीतने जरूरी हैं, यही तो मतलब निकला इसका, देखो क्या लिखा है, दे डिसाइडेड टू प्ले ऑन टिल ए टीम विंस 5 मैचेस, वो तब तक खेलते हैं जब तक कि कोई टीम 5 मैच ना जीत जाए, इसका मतलब सीरीज को जीतने के लिए 5 मैचों का जीतना जरूरी है। द नंबर ऑफ वेज इन विच द सीरीज कैन बी वन बाय इंडिया इफ नो मैच एंड्स इन ड्रॉ।
अगर कोई मैच ड्रॉ नहीं होता है तो इंडिया इस मैच को, इस सीरीज को कितने टाइप से विन कर सकती है। ठीक है, तो देखो जब इंडिया मैच को विन करेगी तो जो लास्ट वाला मैच है वो इंडिया ही जीतेगी। अगर इंडिया सीरीज को विन करती है, अगर इंडिया सीरीज को विन करती है तो लास्ट वाला जो मैच है वो इंडिया ही तो ही जीतेगी, तभी तो कहेंगे कि इंडिया ने सीरीज जीती है, नहीं क्या? तो जो भी टीम, नॉट ओनली इंडिया, जो भी टीम सीरीज जीतेगी लास्ट वाला मैच उस सीरीज का, वही टीम जीतेगी। ठीक है ना, तो यहां पे अपन को इंडिया को विन कराना है तो लास्ट जो मैच होगा सीरीज का वो इंडिया ही विन करेगी। ठीक है, तो अब इसमें केस क्या क्या बनेंगे, देखो ये लास्ट मैच हो गया, हो सकता है कि पांच मैच हुए हो सीरीज में और लास्ट पांचों मैच किसने जीत लिए, इंडिया ने। जब सीरीज में कितने मैच हुए, पांच मैच हुए, तो पांच के पांच मैच किसने जीत लिए, इंडिया ने जीत लिए। ये कितने टाइप से होगा, ये कितने टाइप से होगा, एक ही टाइप से होगा, है ना। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, देखो ये तो फिक्स हो ही गया कि लास्ट वाला मैच इंडिया जीतेगी, तो ये जो पहले के चार मैच हैं ये फैक्टोरियल फोर टाइप से इंडिया जीत सकता, फैक्टोरियल फोर टाइप से अरेंजमेंट हो सकता था इनका, है ना, और ये चारों आई एक साथ एक जैसे हैं तो अपॉन फैक्टोरियल फोर कर दो कितना आ जाएगा, वन। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि केवल एक ही टाइप से चारों मैच इंडिया विन कर सकती है। ठीक है, ये कब है, जब सीरीज में कितने मैच होते हैं, चार। अब हो सकता है कि सीरीज में पांच मैच हो रहे हूं, सीरीज में कितने मैच हो रहे हो, पांच मैच, सॉरी, सीरीज जीतने के लिए फाइव मैचेस को जीतना जरूरी है, मैं लिख देता हूं यहां पे ना, क्योंकि बार बार स्लिप होता है कि कितने मैच जीतने हैं सीरीज के लिए, सीरीज के लिए फाइव मैच जीतने हैं। तो पहला केस कौन सा था, जब सीरीज में फाइव मैच हो तो लास्ट वाला मैच तो फिक्स होगा इंडिया जीतेगी, और शुरू के चार भी इंडिया जीते, तो ये एक टाइप से पॉसिबल है, है ना। अब दूसरा केस, जब सीरीज में छह मैच हो तो लास्ट वाला मैच तो इंडिया जीत गई, है ना। अब बाकी के जो पहले पांच मैच हैं, पहले पांच मैच में से चार मैच में इंडिया जीते और एक मैच में कौन जीते, पाकिस्तान जीते। अब पहले जो पांच मैच हैं इनमें से चार मैच में इंडिया कितने टाइप से जीतेगी बेटा, फैक्टोरियल फाइव अपॉन फैक्टोरियल फोर टाइप से तो जीतेगी, क्यों, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट होगा इतने टाइप से ही तो होगा। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। अब मान लो सीरीज में सात मैच होते हैं, सीरीज में जब सात मैच होंगे तो जो सातवां मैच है वो तो फिक्स है इंडिया जीतेगी। ठीक है, अब ये जो पहले के छह मैच हैं, इन छह मैच में इंडिया तीन बार जीतेगी, ठीक है, और नहीं, इंडिया चार बार जीतेगी और पाकिस्तान कितनी बार जीतेगा, दो बार, क्योंकि सीरीज विन करने के लिए पांच मैच जीतने ही जरूरी हैं। तो ये वाला मैच तो अपने फिक्स कर रखा है लास्ट वाला कि इंडिया विन करेगी, तो इससे पहले चार मैच जीतने जरूरी होंगे। ठीक है, तो इन छह मैचों में से चार मैच इंडिया कितने टाइप से जीत सकती है, फैक्टोरियल सिक्स अपॉन फैक्टोरियल फोर, और दो मैच पाकिस्तान ने जीते हैं इसलिए फैक्टोरियल टू, है ना। तो आ जाएगा बेटा कितना, 720 बटे कितना आएगा, 24, 24 आ जाएगा नहीं, और ये कितना जाएगा, 48, या इसको ऐसे लिख लो एक बार सॉल्व करने के लिए, ये कितना आ गया, 15 आ गया बेटा, कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, अब हो सकता है कि सीरीज में कितने मैच हो रहे हो, आठ मैच हो रहे हो, सीरीज में जब आठ मैच होंगे तो लास्ट वाला मैच तो इंडिया ही जीतेगी। ठीक है, अब इससे पहले जो मैच होंगे कितने मैच होंगे, सात मैच होंगे। अब इन सात मैचेज में, इन सात मैचेज में चार मैच तो कौन जीतेगा बेटा, इंडिया, और तीन मैच कौन जीतेगा फिर, पाकिस्तान, क्योंकि कोई भी मैच ड्रॉ तो है होता नहीं है। तो ये हो सकता है फैक्टोरियल सेवन अपॉन फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल थ्री टाइप से। तो फैक्टोरियल सेवन की वैल्यू जाएगी सेवन इंटू फैक्टोरियल सिक्स, मतलब 720 बटे फैक्टोरियल चार कितना हो गया, 24, और ये हो गया कितना, 6। ठीक है, इससे कट गया 30 टाइम्स, इससे 5 टाइम्स कितना आ गया बेटा, ये 35 आ गया, है ना। अब मान लो सीरीज में कितने मैच होते हैं, नेक्स्ट केस कौन सा आएगा, जब सीरीज में कितने मैच होते हैं, 9 मैच होते हैं। अब जब सीरीज में 9 मैच होंगे तो लास्ट वाला जो मैच है वो तो इंडिया जीतेगी, है ना, उससे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 मैच में चार में इंडिया विन करा होगा और चार में पाकिस्तान ने विन किया होगा, और फिर लास्ट मैच कौन जीत रहा है, इंडिया। तो इस 9 मैचों की सीरीज में पांच मैच कौन जीत लेगा, इंडिया जीतेगी, तो सीरीज कौन जीत जाएगा, इंडिया। तो ये कितने टाइप से पॉसिबल होगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन, है ना, इनका अरेंजमेंट करना है, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 कितना, 720, है ना, और ये हो गया 24 गुना 24, तो 8 + 24 और ये 24 + 72 10 कितना गया, 70 आ गया बेटा, कितना आ गया, 70। अब नेक्स्ट के जब सीरीज में कितने
मैच हो, 10 मैच हो। अब सीरीज में जब बेटा 10 मैच होंगे तो 10 मैच तो पॉसिबल ही नहीं है। 10 मैच क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 10 मैच जब होंगे तो लास्ट वाला मैच चलो इंडिया के लिए रिजर्व कर दिया, तो पहले कितने मैच बचे? 9 मैच बचे। अब पहले के जो 9 मैच बचे हैं, उन 9 मैचों में या तो 5 मैच पाकिस्तान जीत चुका होगा या फिर 5 मैच इंडिया जीत चुका होगा। कहने का मतलब 10वां मैच, 10वें मैच से पहले ही सीरीज जीती जा चुकी होगी, तो इससे ज़्यादा मैच कभी सीरीज में नहीं होंगे, है ना। तो इन सबको आप काउंट कर लो कितने आएंगे, 105, 120, 125, कितना, 126, टोटल कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा, इन सबको जोड़ लो। तो इस सीरीज को कितने टाइप से विन किया जा सकता है इंडिया के द्वारा? 126 टाइप से, है ना। ऐसे अगर मान लो पाकिस्तान की के लिए विनिंग केस निकालेंगे तो वो भी कितने आएंगे, 126 ही आएंगे, है ना। ठीक है, ऐसा भी कहा सकता था कि पाकिस्तान कितने टाइप से हार सकता है इस सीरीज को, तो जितने टाइप से इंडिया जीत सकता है उतने टाइप से पाकिस्तान हार सकता है, तो पाकिस्तान कितने टाइप से हार सकता है, 126 टाइप से हार सकता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हो गया। तो बेटा मैंने DPP 5 तक की जो प्रॉब्लम्स थी आपकी सारी बता दी है, जो जो भी आपने मुझे सेंड की थी, ठीक है। अब बाकी की जो प्रॉब्लम्स रह गई हैं इनको हम WhatsApp पे ही डिस्कस करेंगे, राइट। तो मंडे से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। तो मिलते हैं मंडे को, मंडे की क्लास में। थैंक यू।